गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीके में लेसन 54 स्टार्ट करेंगे, एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है देखिए, एन एनाग्राम्स इज़ अ वर्ड फ्रेज और सेंटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ अनदर वर्ड्स फ्रेजेस ऑफ सेंटेंस। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द वर्ड लास्ट इज An anagram of the word is salt, as it has been formed by rearranging the letters in the word salt. Write the correct anagram for the underlined word. Anagram होता है कि एक word आपको यहाँ पर दिया है, ये आपको दे रखा है इन्होंने last, तो last को ही इन्हीं four words को ही rearrange करके कोई नया word बनाना, तो इन्होंने last का सोल्ट बनाया है। तो इसी तरह से इन्होंने नीचे अंडरलाइन किए हैं, तो हमें उनको रीअरेंज करके न्यू वर्ड बनाना है। शी हैड ए डीप कट बिलो हर एल्बो। अब इसमें सेम वर्ड्स रहेंगे, बी ई एल ओ डब्ल्यू का ही रीअरेंज करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाएगा, एल्बो बन गया। आई विश टू टेस्ट द फूड ऑफ दैट स्टेट। दे वेंट आउट टू ईट एट नाइट एज देयर वॉज नॉट अ थिंग टू ईट एट होम। तो अब नाइट का थिंग हो गया। फोर्थ है, प्लीज बी साइलेंट ड्यूरिंग द सेशन सो दैट द ऑडियंस कैन लिसन टू द स्पीकर। फिफ्थ है, यू हैव ए यूनिक नेम बट व्हाट डज इट मीन। सिक्स, राम हैज फ्रैक्चर्ड हिज आर्म। आई वंडर हु ब्रोक इनटू द हॉर्स एंड हु का हाउ हो गया। हाउ डिड दे मैनेज टू डू सो डिस्पाइट सच टाइट सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, माई मदर वॉज एंग्री वेन शी सा हाउ डस्टी माई स्टडी टेबल वॉज। नेक्स्ट लास्ट, इवन थॉट एल्विस पार्सली इज नो मोर, हिज म्यूजिक लिव्स ऑन इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ फैंस। ओके, नेक्स्ट लेसन है आपका 55, फुबुकी। फुबुकी क्या होता है? द गेम फुबुकी इज चैलेंजिंग एज वेल एज फन टू प्ले। फुबुकी एक गेम है, चैलेंजिंग गेम है और इसमें बहुत फन भी है। द नंबर गिवन हैव टू बी अरेंज द इन द ग्रिड फ्रॉम 1 to 9। ये जो बॉक्स दिया है जिसमें ग्रिड दे रखा है, इसमें 1 to 9 तक नंबर अरेंज करने हैं। फॉर द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द नंबर नोट द वैल्यूज एट द एंड ऑफ द ईच रो एंड कॉलम। अब जो यहाँ पर हमने नंबर 1 to 9 तक लगाने हैं और वो इस तरह से लगाने हैं कि इधर कॉलम से करें या फिर रो से करें, यहाँ से देखें या इधर से देखें, तो उनकी जो वैल्यू है टोटल जो है वो इनका इतना ही आना चाहिए। अगर हम यहाँ से करें 15 आना चाहिए और फर्स्ट से करें तो ये 20 आना चाहिए। विच इंडिकेट्स द सम ऑफ द नंबर्स इन द रो और कॉलम। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा था, यहाँ पर हमने लगाया है 8, 5, 2 इन्होंने दिया है, टोटल आना चाहिए 15, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने 2 कॉलम छोड़ रखे थे, यहाँ पे हमने फिल किया है 8 and 5, तो इसको 20 आ गया। तो यहाँ पर 8, 5, 2 इज़ इक्वल टू 15, 8, 7, 5 इज़ इक्वल टू 20। इसी तरह से ही 5, 3 plus 5 plus 3 plus 2 इज़ इक्वल टू 10, 2 plus 4 plus 4 इज़ इक्वल टू 10, 5 plus 2 plus 4 इज़ इक्वल टू 11, 20 plus 10 plus 10 इज़ इक्वल टू 40। नेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर 5, इधर ये ब्लैंक छोड़ रखा था 2 and 3 plus 6 इज इक्वल टू 11, 4 plus 8 plus 3 इज इक्वल टू 15, 9 plus 16 plus 11 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट में है 3 plus 8 plus 1 इज इक्वल टू 12, 6 plus 7 plus 6 इज इक्वल टू 19, 4 plus 6 plus 5 इज इक्वल टू 15 एंड 13 plus 21 plus 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें करना है यहाँ पर 46 आ जाएगा। नेक्स्ट में है 3 plus 5 plus 2 इज इक्वल टू 10, 4 plus 3 plus 7 इज इक्वल टू 14, 4 plus 5 plus 8 17, 11 plus 13 plus 17 41। तो इसको अगर हम इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा और ऐसे करेंगे तो ये हमारी ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा और ऊपर से नीचे करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट में है 6 plus 7 plus 1 14, 5 plus 2 plus 3 10, 2 plus 9 plus 7 18, 13 plus 18 plus 11 42, 6 plus 5 plus 2 13, 7 plus 2 plus 9 18, 1 plus 3 plus 7 11, 14 plus 10 plus 18 42। ओके, थैंक यू।